हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास यूज यूक्लियर डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर m तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू थ्री ठीक है देन वाई यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट तो यूक्लियर डिविजन नामा की स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन बी तो यहां से हमारे पास देखो बी की वैल्यू कितनी आएगी थ्री तो इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर ठीक है और आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन थ्री तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर क्या होंगी हमारे पास थ्री से स्मॉलर जीरो वन और टू तो लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर जीरो वन टू ये थ्री वैल्यूज होंगी हमारे पास अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में ठीक है तो पुट आर इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास थ्री क्यू प्लस ए आएगा हमारे पास थ्री क्यूटल टू वन तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास थ्री क्यू प्लस वन पुट आर इज इक्वल टू टू देन ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू ये चीज आ गई हमारे पास अब हम क्या करेंगे स्क्वेयरिंग द बोथ साइड तो सबसे पहले स्टेप वन लिखेंगे स्टेप वन आप स्टेप वन की जगह पर केस वन भी लिख सकते हो ठीक है तो ए इज इक्वल टू थ्री क्यू जब हमारे पास ए की वैल्यू होगी थ्री क्यू तो क्या करेंगे स्क्वेयरिंग द बोथ साइड हमें क्वेश्चन में बोला गया था ठीक है तो स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट अब अब इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करेंगे कितना आ जाएगा ए स्क्यर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्र तो हमारे पास आएगा नाइन क्यू का स्क्वेयर तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे थ्री क्यू का स्क्र तो थ्री जा नाइन अगेन नाइन क्यू स्क्र आ जाएगा तो इसको मैं लिख सकती हूँ थ्री एम ब्रैकेट में लिखोगे एम इज इक्वल टू के स्क्वेयर एम इज इक्वल टू सॉरी थ्री क्यू स्क्वेयर एंड एम इज एम इज एंड इंटीजर एम क्या था हमारे पास इंटीजर ठीक है तो इसको इक्वेशन नंबर वन दे देंगे ए स्क्र की वैल्यू आई हमारे पास थ्री एम इक्वेशन वन के वैल्यू पुट करेंगे हम ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन अगेन स्क्वेयरिंग द बोथ साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो कितना आ जाएगा हमारे पास ए स्क्र इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन होल स्क्र अब यहां पे फार्मूला यूज होगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्र फॉर्मूला होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी तो कितना आ जाएगा ए स्क्र इज इक्वल टू थ्री क्यू का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस टू इंटू थ्री क्यू इंटू वन तो यहां पर आ जाएगा थ्री थ्री जा नाइन क्यू प्लस वन प्लस थ्री टू जा सिक्स क्यू ये वैल्यू आ गई हमारे पास ठीक है ए स्क्वेयर की तो यहां पर हम क्या करेंगे थ्री कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में आएगा हमारे पास इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ नाइन क्यू स्क् प्लस सिक्स क्यू प्लस वन तो क्या करेंगे हम थ्री थ्री जा नाइन नाइन क्यू स्क् प्लस थ्री टू जिक्स टू क्यू और ब्रैकेट के बाहर प्लस वन ठीक है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे ए स्क्र इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन और एम की वैल्यू कितनी है यहां पर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वेयर प्लस टू क्यू वेयर एम इज एन इंटीजर ठीक है तो इक्वेशन यहां पर क्या आ गया इक्वेशन नंबर टू स्टेप थ्री स्टेप थ्री में क्या करेंगे ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू अगेन स्क्वेरिंग द बोथ साइड स्क्वेरिंग बोथ साइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू होल स्क्र अगेन फॉर्मूला लगेगा ए स्क्यर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी तो क्या लिख सकते हैं इसको ए स्क्र इज इक्वल टू थ्री क्यू का स्क्वेयर प्लस टू का प्लस टू इंटू थ्री क्यू इन टू तो क्या बन जाएगा नाइन क्यू का स्क्र प्लस फोर प्लस टू थ्री जिक्स सिक्स टू ज ट्वेल्व ट्वेल्व क्यू आ जाएगा हमारे पास ठीक है तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं नाइन क्यू का स्क्वेयर प्लस ट्वेल्व क्यू और फोर को स्प्लिट कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये थ्री प्लस फोर थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन कितना होता है फोर ही आता है हमारे पास ए स्क्र की वैल्यू ये आ गई अब यहां से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू अगेन थ्री कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आएगा थ्री क्यू का स्क्वेयर प्लस थ्री फोर ज ट्वेल्व तो फोर क्यू प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर प्लस वन तो यहां से हमारे पास ए स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन ये चीज आ गई अगेन ब्रैकेट में लिखोगे एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्स फोर क्यू प्लस वन वेयर एम इज एन इंटीजर तो इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो अब देखो इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री तीनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आया ए स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास थ्री एम थ्री एम प्लस वन थ्री एम प्लस वन तो लिखेंगे

ज इधर ऑफ द फॉर्म ऑफ थ्री एम और थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एम तो यह चीज हमारे पास प्रूव हो गई क्वेश्चन में हमें यही चीज प्रूव करने के लिए बोली गई थी ठीक है थैंक यू स्टूडेंट